सीधी की जानलेवा चाल। सृष्टि का हुआ हाल बेहाल, टीवी के सीरियल कुंडली भाग्य में निधि ने अपने बदमाशों से प्रीता को किडनैप करने के लिए कहा था, लेकिन वो बदमाश गलती से सृष्टि को पकड़ के ले आई, जो पड़ गई है निधि पर भारी। इससे पहले कि सृष्टि निधि को सबक सिखाती, निधि के बदमाशों ने सृष्टि पर हमला कर दिया और बेचारे सृष्टि खूनम खून हो गई। अब सृष्टि ने मुझे देख लिया तो अब इसका मैं क्या करूं? तो इसको तो मरना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर इसको जीना है या मुझे जीना है तो ऑब्वियसली निधि ही जिएगी और सृष्टि तो मरेगी ही मरेगी। तो मैंने वैसे तो उसको सीधी साधी मौत देना चाहती थी, गन से शूट करना चाहती थी, पर उसने पता नहीं क्यों भागी, उसने अपने लिए और ज़्यादा डिफ़िकल्टी बना ली। तो अब मुझे आग लगाना ही पड़ा और आग लगा के अब मैं बाहर खड़े होके आराम से मजे ले रही हूँ। इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं दोनों बहनें, कर कुछ नहीं पाती। भाई हारी हुई बाजी तो निधि ने वापस जीत ली और देखिए कैसे गन लेकर वो सृष्टि को डरा धमका रही है। अब सृष्टि ये खबर किसी और को ना दे, इसीलिए निधि उसका काम तमाम करना चाहती है। ऐसे में उसने केरोसिन लेकर पूरे स्टोर रूम में छिड़क दिया और आग लगा दी ताकि सृष्टि उसमें जलकर राख हो जाए। नहीं, ये नजारा खुद वो अपने आंखों से देखना चाहती थी, इसलिए वो दरवाजे के बाहर आ गई और बेचारे सृष्टि वो आग की लपटों में घेरी हुई है, तड़प रही है। सृष्टि से तो छुटकारा मिलने वाला है, पर प्रीता अभी भी जिंदा है और प्रीता अभी भी मेरे सर पे खतरा बन के मंडरा रही है। तो बस प्रीता के लिए भी प्लान तैयार है, वेट एंड वॉच। अभी निधि की हत्या चढ़ी है तो कैसे बचेगी बेचारी, है ना? कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी हाथ पैर मार ले, यहाँ से बचेगी तो कहीं और पकड़ लूँगी, पर मारना है, है ना? जिद आ गई अब तो। प्लान्स तो बहुत सारे हैं, मतलब मैं सोचती रहती हूँ चाकू से मारूं, जला के मारूं, गला घोट के मारूं, सफोकेट करके मारूं, कहीं से धक्का दे दूं, ऐसा थॉट्स चलते रहते हैं दिमाग में। अब देखूंगी जैसा जहाँ मौका लगेगा, मारना तो है तो मार ही दूंगी। निधि इतनी मास्टरमाइंड है कि वो कभी भी अपनी बातें करण तक नहीं पहुँचने देती। आज 20 साल हो गए हैं, सारे घर वालों के साथ वो मिसबिहेव करती है, सारे घर वालों के साथ वो झगड़े करती है, पर क्या करण को पता चला नहीं और पता चलेगा भी नहीं। बिल्कुल निधि अपने प्लान्स पे ही सबको जीत लेती है और जो चाहती है वो पा लेती है।
कहते हैं प्यार अच्छे अच्छों को अंधा कर देता है और अब निधि उस प्यार का शिकार हो चुकी है। वो ये भूल गई है कि सृष्टि के पास उसका भांजा राजवीर है जो सही समय पर पहुंच गया है अपनी मासी को बचाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि राजवीर अपनी मासी सृष्टि को बचा ले और सृष्टि सभी के सामने निधि का खुलासा कर दे। मुंबई से पूजा निषाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो मना रहे हैं आपके साथ नवरात्रि का ये त्योहार और लेकर आते हैं हम आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।